कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं नैना देवी के विधायक रामलाल ठाकुर ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार को प्रदेश के निजी स्कूलों को निर्देश देने चाहिए कि छात्रों से ली जाने वाली फीस वे माफ करें। प्रदेश सरकार सुनिश्चित करे कि कोई भी निजी स्कूल छात्रों से फीस ना ले। उन्होंने कहा कि दिल्ली इत्यादि राज्यों में भी सरकारों ने यह निर्णय लिया है, क्योंकि प्रदेश के अंतर्गत जितने भी निजी शिक्षा संस्थान आते हैं उन पर सरकार का प्रशासनिक नियंत्रण होता है। इसलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ शिक्षा मंत्री का ये बयान सही नहीं है कि सरकार निजी शिक्षा संस्थान पर अपने स्तर पर फीस माफी करने का निर्णय छोड़ रही है। इससे पहले मंत्री ने निजी शिक्षा संस्थानों को फीस ना लेने संबंधित बात कही थी। उन्होंने कहा कि मंत्री महोदय बार बार निर्णय वापस ले रहे हैं, जिससे लोगों में भी संदेह पैदा हो रहा है कि ये निर्णय किसी के दबाव में बदले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी तक सरकार ने बीपीएल, आईआरडीपी, पीडीएस और राजीव गांधी अन्न योजना के तहत पंजीकृत परिवारों को 5-5 किलो चावल दे रही है। सरकार को इन परिवारों को दाल व अन्य सामग्री भी मुहैया करवानी चाहिए। साथ ही अन्य एपीएल परिवारों को भी राशन की व्यवस्था सरकार सुनिश्चित करे। हिमाचल प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री है, उन्होंने पहले तो कहा कि ये 3 महीने की फीस जो है वो प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं ली जाएगी। अब एकाएक जो है बयान आ गया कि सरकार उसमें जो है वो दखल नहीं दे सकती क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल है। मैं मंत्री से जानना चाहूँगा कि जब पूरे हिंदुस्तान में और जब प्रधानमंत्री जी ने जो आदेश किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आदेश किया, उसके मुताबिक ये जो आज बीमारी पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में फैली है, जिसमें मैं कहूँगा कि हिमाचल प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है, तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि जब बाकी जगह पे वहाँ की सरकारों ने ये आदेश कर दिया कि भाई प्राइवेट स्कूल के बच्चों से भी फीस नहीं ली जाएगी, तो अब हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री क्यों पलट गए कि ये देखो कि जो ये चिट्टा लेने वाले, ये जो भांग पीने वाले हैं, जो सुल्फा पीने वाले हैं, इन सब की जांच करवाए सरकार के, पुलिस में कितने लोग हैं जो इन चीज़ों का जो है प्रयोग कर रहे हैं, पंजाब की तर्ज पे कर रहे हैं, वो पंजाब ने भी किया है कि जो इस प्रकार के पुलिस में लोग हैं जो जो ये जो ना रोज दारू पीते हैं और वो सुल्फा लेते हैं, वो चिट्टे के आदि हो गए हुए हैं, ये जो भूखी के आदि हो गए हैं, ये इनको मैं कहूँगा सरकार कड़ा कदम लेने से पहले पुलिस के बारे में ऑर्डर करें कि पुलिस वालों की जाँच हो